myself. I have been teaching for the last 10 years and I've been teaching all these courses, for instance GRE, GMAT, SAT and GAT. I've done my initial schooling from International School of Sharjah and I've done my higher education in marketing from Canada, and I'm a graduate member of Canadian Institute of Marketing. So I'm basically making this video in order to make you guys understand about a course, so that most of you who are appearing for these kinds of course should understand that what are the basic things which are required. I'll just also speak in Urdu so that all of you could understand, and in case someone wants to understand it completely, Urdu would be the best option. अब मैं आपको थोड़ा सा एक सिचुएशन बताता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 8-10 साल से पढ़ा रहा हूँ और 9 साल से ये सारे कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ. And I see a lot of people appearing for these exams, for instance GRE, GMAT, SAT, GAT. और इन सब एग्ज़ाम्स के लिए वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, और जब भी वो स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 1 या 2 हफ्ते के अंदर उनको ये फील हो जाता है कि हम ये नहीं कर सकेंगे. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द बेसिक रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. द बेसिक रीज़न इज दैट दीज एग्ज़ाम्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट आर नॉट पार्ट ऑफ आर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम. ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते. ये एक और कोर्स है जिसको आप कह सकते हैं ये ब्रिटिश सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है, ये अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है. जिसने 12वीं क्लास 12 कर ली है तो उसने SAT देना होता है, जिसने बैचलर्स कर लिया और मास्टर्स में एडमिशन लेना है उसने GRE या GMAT देना होता है. और GAT जो है वो पाकिस्तान में ही हमने उन सारे एग्ज़ाम्स को मिला के एक एग्ज़ाम बना दिया जिसका नाम है GAT. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स, तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ. जैसे आपको कोई फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का बताएगा, वो कहेंगे GRE दें, तो आप कहेंगे चलें बुक्स देखते हैं, हम इंस्टीट्यूट्स को सर्च करते हैं, और फिर वो आप किसी इंस्टीट्यूट में ना एडमिशन ले लेंगे. GMAT में आपने अगर MBA लम्स से करना है या कोई और यूनिवर्सिटी के लिए करना है, तो आप सबसे पहली चीज़ ये करेंगे कि आप कहेंगे चलें एकेडमी ढूंढते हैं और उसमें जाएंगे, टिप्स स्ट्रैटेजीज तैयारी कर लेंगे और हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली आपकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, इस वजह से नहीं कि वो एकेडमी बुरा आपको पढ़ाएगी या फिर आप पढ़ना नहीं चाहते. इसके लिए आपको इंग्लिश और मैथ, जो अमेरिकन सिस्टम की इंग्लिश और मैथ है, उसकी फाउंडेशन बनानी होती है. उसकी फाउंडेशन जो है वो हम जब अपने नॉर्मल कोर्सेज करते हैं, जो हम अपने नॉर्मल कोर्सेज करते हैं उसमें भी हम उसको 1 या 2 हफ्ते के लिए बनाते हैं. बट सम पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू इम्प्रूव इट. सो आई एम बेसिकली अनाउंसिंग अ कोर्स विच इज़ कॉल्ड FEM कोर्स, FEM कोर्स, which is for all those people who are struggling with GRE, GMAT, SAT and GAT. And whenever they want to learn something, it is very hard for them in the regular classes. Regular classes ke andar unke liye bahut mushkil ho jata hai, kyunki regular classes ke andar aapko format batayenge, aapko jo log kehte hain strategies hoti hain, tips hoti hain, wo sirf un logon ke liye work karti hain जिन्होंने पहले से उस चीज़ से गुजरे हों. मैं आपको एक मैथ की बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. मैथ के बारे में जिसको मैथ आती हो तो हम कहते हैं कितना इंटेलिजेंट है, दिस पर्सन नोज अ लॉट. बट मैथ इज़ लाइक अ मसल. आपने अगर ज़िंदगी में कभी वेट लिफ्टिंग की है तो आपके मसल्स को याद होता है कि आपने वेट उठाया, जैसे आप फिर से उठाते हैं तो वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं. मैथ में अगर आपने कोई एक क्वेश्चन पहले किया हो तो उसका डिफिकल्टी लेवल ऊपर या नीचे हो के आपको एक सेंस होता है, हाँ ये पहले किया था, उस वजह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. फर्ज करें जिसने उस किस्म के क्वेश्चंस कभी किए नहीं है, समवन हु हैज नॉट इवन डन दोज क्वेश्चंस, वो कैसे एक क्लास के अंदर बैठ के उस चीज़ को कवर कर सकता है? वो इंसान वो नहीं कर सकेगा. सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू आस्क यू गाइस दैट वेन एवर यू आर अपेयरिंग फॉर दीज एग्ज़ाम्स, आपने ये नहीं देखना कि किसके क्या स्कोर आया था, आपने ये भी नहीं देखना होता कि किसके क्या रिव्यूज़ हैं. आपने बेसिक चीज़ जो आपने देखनी है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. एक फ्री असेसमेंट टेस्ट होता है पैगन्स पे,
आप किसी भी ब्रांच में आ सकते हैं। आपको एक फ्री असेसमेंट टेस्ट मिलेगा इंग्लिश या मैथ का, जिसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी इंग्लिश या मैथ की फाउंडेशन ठीक है या गलत है। अगर वो वीक है तो आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, क्योंकि वो आप जैसे ही क्लास में इनरोल करेंगे आपको फॉर्मेट तो पता लग जाएगा एग्ज़ाम का, बट योर स्किल्स वुड नॉट बी सपोर्टिंग इट। आपकी जो स्किल्स हैं, ये जो फाउंडेशन होती है, जैसे एक बिल्डिंग है उसके अंदर आप फाउंडेशन उसकी वीक है, उसके ऊपर आप स्टोरीज नहीं डाल सकते। 4, 5, 6, 10 स्टोरीज डालेंगे बिल्डिंग पूरी गिर जाएगी। सो यू नीड टू इम्प्रूव योर फाउंडेशंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द थिंग्स विच वी वुड बी वर्किंग ऑन इन दिस कोर्स। वी वुड बी वर्किंग ऑन 30 टॉपिक्स, विच मीन्स ऑल दोज टॉपिक्स रिलेटेड टू एल्जेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, उसके अंदर जो सर्कल्स, ट्राइंगल्स के हैं, बॉक्स, विस्कर प्लॉट, स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सब चीज़ें इसमें हो जाएंगी। देन वी वुड बी रीडिंग वोरेशियसली। रीडिंग एक ऐसी स्किल है कि आप सिर्फ, मैं आपको पैसेज दूँ और आपको कहूँ कि चलें इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चन को करें, आप रिटेन ही नहीं कर सकते। अगर आप रिटेन नहीं कर सकते, आप उन सब चीज़ों को वो नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। द थर्ड थिंग वी वुड बी डूइंग वुड बी वर्किंग ऑन वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सो दैट यू कुड हैव द काइंड ऑफ वोकैबुलरी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय ऑल दीज एग्जाम्स। द फोर्थ थिंग इज वी वुड बी वर्किंग ऑन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड द एरर्स। ये जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ये आपके ऐसे राइटिंग के अंदर होते हैं, रीडिंग में भी कभी कभी आपको अच्छी ग्रामर हो तो आपको समझ आ जाती है वट इट इज़। एंड देन वी वुड ऑल्सो बी वर्किंग ऑन ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का ये होता है कि आपको एक जो ऐसे स्ट्रक्चर है उसके बारे में, कोहेरेंस, कोहेजन के बारे में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का के बारे में सब कुछ करवाया जाएगा। नाउ यू वुड बी वंडरिंग कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जिन्होंने GRE, GMAT, SAT या GAT, ये चार एग्ज़ाम्स के लिए जो अपेयर हो रहे हैं, वो अगर किसी अपनी रेगुलर क्लासेस, जैसे मैं GRE की रेगुलर क्लासेस भी कराता हूँ, आई ऑल्सो कंडक्ट द SAT रेगुलर क्लासेस, तो अगर आप इनमें से, इन सारे चारों कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाह रहे हैं और आपको ये फील हो रहा है कि आपकी इंग्लिश या मैथ वीक है, तो उस क्लास में जो रेगुलर क्लासेस हैं उसके अंदर आप सही तरीके से फिट इन नहीं हो सकते, क्योंकि वो क्लास तेज चलने लग जाएगी और आपको हर चीज़ की फाउंडेशंस की ज़रूरत होती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आप कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके अगर फाउंडेशन गलत है, और इन एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि जिसकी फाउंडेशन ख़राब हो और जिसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, उन सब दोनों के एक मार्क्स आते हैं। टिप्स, स्ट्रैटेजीज इन फॉरेन एग्ज़ाम्स में वर्क नहीं करती। सो वी आर कंडक्टिंग दीज क्लासेज इन द गुलबर्ग ब्रांच एंड ऑल्सो इन द वीकेंड कोर्सेज, एंड दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप, फॉर इंस्टेंस मैं आप इसकी फ़ी बता देता हूँ, एक 4-week कोर्स है जिसकी फ़ी है 10,000। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये करना चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपको इसमें डालूँ फिर मैं कहूँ चलें GRE के उस पर बाद में कर लेना, फिर GMAT के। आप ये कोर्स कर लेंगे, मैं आपको 2 हफ्ते कॉम्प्लीमेंट्री वो मॉक एग्ज़ाम्स दे दूँगा और आपको सब कुछ समझ आ चुकी होगी जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको एग्ज़ाम के अटेम्प्ट करने की भी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मैं आपको मॉक एग्ज़ाम्स, जैसे 4 हफ्ते का कोर्स है तो 2 हफ्ते मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री, आप वीकेंड पे टाउनशिप पे आके वो मॉक एग्ज़ाम्स कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। बट द थिंग इज़ यू नीड टू डेवलप योर स्किल्स। अगर आपकी वो स्किल्स ही नहीं डेवलप्ड तो आप उस रेगुलर कोर्स में आके आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू गाइस, सिर्फ इस वजह से कि कोई स्कॉलरशिप आ गई है कॉमनवेल्थ की, फुल ब्राइट की, तो किसी ने आपको कहा है चलें ये कर ले, और आपने पहले 30,000, फिर 25-30,000 किसी एकेडमी में, फिर आप जब एग्ज़ाम के नज़दीक होंगे तब आपको पता लगेगा ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं होना। आप अपनी, आपको एक प्लान दें। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपने ज़रूर ये देना है एग्ज़ाम, तो पहले उसका एक असेसमेंट टेस्ट करें कि ये देख लें कि आप ये एग्ज़ाम दे भी सकते हैं या नहीं। शायद वो 6 महीने, साल के बाद आप अगली अटेम्प्ट में दे दें, अपने 1,00,000 रुपए वैसे ना ज़ाया करें। सो दिस कोर्स इज़ राइट नाउ बींग ऑफर्ड एट पेकन्स गुलबर्ग फ्रॉम 2 to 4 PM एंड एट पेकन्स टाउनशिप फॉर द वीकेंड क्लासेज 12 to 3 PM।
Okay, for more information, you can call the number which has been given. Thank you.